दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में और आपके चैनल अपने डिजिटल इन्फो सॉल्यूशन पे। देखिए आज हम जानेंगे यहाँ पे दो जानकारी, एक तो पार्ट वन BKSU का पार्ट वन का असाइनमेंट डेट ख़त्म हो चुका है और दूसरा कि पार्ट थर्ड का रिजल्ट कब आएगा। तो आप देख सकते हैं असाइनमेंट जमा करने की तिथि यहाँ पे आपके सामने है, जो कि देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के विभूत स्नातक पार्ट वन 2019-22 की परीक्षा का असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गई। अंतिम तिथि होने के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ रही। बता दें कि 15 जनवरी को स्नातक पार्ट वन परीक्षा का प्रश्न पत्र अपलोड करते हुए वीवी मतलब BKSU ने 30 जनवरी तक असाइनमेंट की कॉपी जमा करने का तारीख निर्देश दिया था। अंतिम तिथि पर आरा स्थित जैन कॉलेज, SB कॉलेज, जीवन कॉलेज, महिला कॉलेज, महाराजा कॉलेज मतलब अन्य कॉलेजों में असाइनमेंट कॉपी कॉलेजों ने विभाग खोल कर ली और इसलिए इसका डेट बढ़ाने की अभी बातचीत चल रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सोमवार को तिथि विस्तार का जारी होगा पत्र। ठंड सहित अन्य कारणों अब तक हजारों विद्यार्थी असाइनमेंट जमा करने से वंचित रह गए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी गिर रहा है, इस वजह से कॉपी और असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए हैं। तो जी नहीं जमा कर पाए हैं वो मतलब ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि डेट बढ़ने वाली है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 फरवरी तक तिथि बढ़ाई जा सकती है, मतलब अभी तिथि बढ़ेगा। और दूसरी जानकारी है दोस्तों, पार्ट थर्ड का रिजल्ट 10 मार्च तक जारी होगा। पार्ट थर्ड का रिजल्ट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट थर्ड की सत्र 2017-20 का रिजल्ट जारी करने के कवायद तेज कर दी है। OMR पर ली गई परीक्षा, मतलब OMR सीट से परीक्षा ली गई थी जो कि स्कैन किया जा रहा है। आगामी 10 मार्च तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया। अगर मार्च तक भी रिजल्ट जारी हो जाता है तो PG का सत्र, मतलब अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन टाइम टू टाइम ले सकते हैं। कुलपति प्रो देवी प्रसाद तिवारी ने बताया कि कंप्यूटर सेंटर की ओर से OMR सीट की स्कैनिंग की जा रही है। अब तक आधी OMR मतलब आधा अभी OMR सीट को स्कैन कर दिया गया है और अभी आधा बाकी है, इसलिए 10 मार्च तक का एक डेट रखा गया है। अगर 10 मार्च को आ जाता है रिजल्ट पार्ट थर्ड का तो PG में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यही छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।